हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और गाइस, आज हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। कल इसको मैं रिसीव किया था और आज मेरे को मौका मिल रहा है इसको अनबॉक्स करने का। तो गाइस, ये रहा एयरफोन जेब्रोनिक का। इसका साउंड क्वालिटी अभी चेक करके देखते हैं कैसा है। इसका हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें मेटालिक डिजाइन बता रहा है। वॉल्यूम कंट्रोल तो सब में ही रहता है यार, नहीं किसी किसी में नहीं रहता, एक बटन रहता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कंट्रोल बता रहा है और ब्रेडेड केबल बता रहा है। इसका मतलब वही, अगर आप हेडफोन इधर उधर फेंक के रख देते हैं ना हम लोग जैसे तैसे, तो गांठ वगैरह लग जाता है, तो इसमें नहीं लगेगा, एकदम मस्त क्वालिटी है। ये दोटो भी मिलता है साथ में। तो गाइस, आप इसको देखते हैं कान में कैसा फिट होता है। तो गाइस, कान में तो अच्छी तरह से फिट हो जा रहा है, एकदम कड़क फिट तो अच्छे से हो रहा है। अब इसका साउंड अगर अच्छा नहीं निकला तो फिर दिक्कत है। इसको गाना सुन के देख लेते हैं। थोड़ा सा ऐसा फीका फीका टाइप का लग रहा है। तो गाइस, इसका बैस थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लेकिन बैस मेरे को पसंद नहीं आया, एकदम मजा नहीं आया बैस तो। और साउंड क्लियरिटी का अगर बात करें तो क्लियरिटी भी उतना खास दे के नहीं दे रहा है। बस आपको बता सकता हूँ कि एवरेज साउंड क्वालिटी है, और इससे भी ज़्यादा अच्छा हेडफोन मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। जो नॉर्मल गाना वगैरह सुनते हैं ना गाइस, उन लोगों के लिए बेस्ट है, और जिसे बैस मतलब पसंद होता है ज़्यादा, उसको उसके लिए ये हेडफोन एकदम नहीं है। आप देखोगे भी मत, इसको लेना भी मत। बाकी किसी लोगों को पसंद आ सकता है, सब सबका अपना अपना चॉइस होता है गाइस, आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे को तो एकदम पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ मैं अभी फिर भी बोलूँगा गाइस, अगर जिन लोगों को मतलब ऐसा नॉर्मल गाना होना सुनने को है मतलब, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें फिटिंग खतरनाक हो रही है। देखो तो हिलाने से भी एकदम नहीं हिले, और डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है देखो, और मैग्नेट नहीं है। वायर क्वालिटी का अगर बात करूँ तो गाइस वो भी बहुत सही दिया है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है। किसी किसी हेडफोन में बीच बीच से ना ऐसा निकल जाता है, टूट जाता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। जो गेमिंग हेडफोन होता है गाइस, उसमें ज़्यादा बैस वगैरह नहीं होता है, बस नॉर्मल रहता है, लेकिन एकदम चारों तरफ सराउंड इफेक्ट ऐसा फील होता है कि हाँ इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, गोली यहाँ से निकल के इधर निकल गया, ऐसा ये सब रहता है ना, तो इसमें ऐसा फील होगा। तो फिलहाल गाइस भैया को देते हैं, उसको वो इसको टेस्ट करके देखता है उसका कैसा रिएक्शन रहता है। चलो देखते हैं। ये फंस गया, तो कैसा लगा बताओ? सब सही है, बट साउंड क्लैरिटी नहीं है उतना, बट इसका ये जो है ना कंट्रोलेबल स्विचेस वो ठीक से काम कर रहा है, बाकी वही है। कुछ नहीं है इसमें, बस मतलब भैया को भी साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा। साउंड क्वालिटी इतना भी अच्छा नहीं है 14mm का ड्राइवर होते हुए भी, 14mm का ड्राइवर उसमें फिट किया गया है गाइस, लेकिन उसका जो साउंड क्वालिटी उस उतना खास निकल के नहीं आ रहा है। सोचा ज्यादा मतलब लाउड होगा, और बैस अच्छा दे रहा है, मतलब बैस आप डिसेंट सा ले सकते हो, लेकिन इसका जो साउंड क्लियरिटी है ना वो थोड़ा दबा दबा टाइप का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी गा रहा है ना उसके मुंह में ऐसा गमछा वमछा दबा दिया वो गा रहा है, ऐसा टाइप का फीलिंग है, दिल तक जाना चाहिए ऐसा साउंड एकदम नहीं है भाई। मैं भाई रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपको लेना है तो आपका चॉइस है भाई। मेरे को नहीं पता आपको अगर लेना है तो आप देखो, इसका रेट कम है ठीक है, बहुत इसका 219 रुपया का फ्लिपकार्ट में दिखा रहा है, और थोड़ा डिलीवरी चार्ज लगा के 343 का मिल जा रहा है, तो 300 के आसपास ये मिल रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा अगर थोड़ा 20-25 रुपया ऐसा ऐड करके और एक्स्ट्रा, तो अदर ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हो, मतलब
आप नया दूसरा हेडफोन भी ले सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी क्या कर सकते, इसको मंगा तो लिया हूँ, इसको रिटर्न करना है क्या? 100% हाँ चलो इसको रिटर्न कर, इसको रिटर्न मारो। तो गाइस आप यहाँ पे बात हो रहा है कि रिटर्न तो करना है मेरे को, आप रिटर्न कर ही देंगे ठीक है, और मेरे को अच्छा नहीं लगा। अब जो जो चीज़ अच्छा नहीं लगा उसको लेके आए उसको रख के भी क्या फ़ायदा, तो रिटर्न मारने वाला हूँ। और ये देखो इसको भी भैया पैकिंग वैकिंग करना चालू भी कर दिया, ये देखो ये पैकिंग करो, ये पैकिंग बहुत सही करता है, इसको दे दिया हूँ पैकिंग करता है। और मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आपको बताऊँ तो हेडफोन लेना एकदम सेफ नहीं है, पैसा वेस्ट है एकदम ठीक है। और पैसा वेस्ट उन लोगों के लिए जिन लोग मतलब जिन लोगों को बैस बहुत अच्छा लगता है और साउंड क्लियरिटी भी होना चाहिए, ये सब अगर उन लोगों को अच्छा लगता है उन लोगों के लिए पैसा पूरा वेस्ट होगा ये लेना। और अगर सिर्फ गाना सुनना है और ऐसा ही स्टाइल वगैरह झाड़ना है तो ले सकते हो, क्योंकि इसका लुक थोड़ा ठीक है और डिसेंट, सब कुछ डिसेंट है। और गाइस मैं इसी का हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देख क्या पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन साउंड क्वालिटी आपके पास ही है, देख लो कैसा साउंड क्वालिटी इसका निकल के आता है इसका माइक का। और मेरे को जहाँ तक पता चल रहा है इसका क्लैरिटी मेरे को तो लग रहा होगा ही होगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, इसको तो रिटर्न मानना ही है ऐसे भी कर। हेलो गाइस, नहीं फूकूंगा यार, कान पता है फट जाता है, फिर भी हवा अगर एक दो टो निकल गया तो एडजस्ट कर लेना। तो फिलहाल गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।